वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह 7:30 बजे हैं और आज का दिन पितृपक्ष का नवमी है, जिसके कारण हमारे गांव में त्यौहार मनाएंगे और खेती किसानी के लिए आज नहीं जाते हैं, छुट्टी रहता है। तो आज के दिन पितृपक्ष का नवमी के कारण त्यौहार बनाएंगे हमारे गांव में और तरह तरह के पकवान बनते हैं, खास करके बड़ा बनता है और उसी का आज त्यौहार बनाएंगे। और सुबह देखे कितना बेहतरीन माहौल है, चारों तरफ हरियाली। और पिछले साल हमने ये घर को बनवाया था और 2 साल लगे इसको बनवाने में, और कोरोना चल रहा था पिछले 2 साल से, तो ये घर बनाने में काफ़ी दिक्कत हुई। जैसे ही हमने घर बनाना चालू किया था, उसके 2 महीने के बाद लॉकडाउन चालू हो गया था और गांव में तो उस समय ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा था जितना शहरों में पड़ा था। तो ये घर हमारा लगभग 2 साल लग गए इसको बनने में और अभी भी बन ही रहा है। तो हम लोग जब भी आते हैं गांव में तो इसको थोड़ा थोड़ा करके बनवा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा लगा तो छत पे आके मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हमारा मठ है रतनाम भवन, चारों तरफ खेत है, इधर साइड पूरी खेत ही खेत है, इस साइड गांव में पूरा खेत का इधर ही एरिया है जहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको। तो चलते हैं नीचे, काफ़ी दिन हो गया था मैं छत पे नहीं आया था, तो आज सुबह धूप दिखने के कारण मैं सोचा चलो छत पे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा छत पे, चलो नीचे देखते हैं। देखिए अभी घर का प्लास्टर व्लास्टर बचा है और अभी भी काफ़ी काम कराना बाकी है, तो देखते हैं समय मिल जाए तो ये भी हो जाए। ये है भी काम चल रहा है, यहाँ पर अलमारी बना है और ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके नीचे घर है गोदाम टाइप का, अभी उसी में हम लोग रहते हैं। और ये अभी ऊपर में एक और छोटा सा घर बना दिया है, क्योंकि जब हम लोग का धान वान आता है ना खेत पे, तो उसको रखने के लिए हम लोग नीचे ही रखते हैं, तो नीचे रखने के कारण हम लोग को रहने की परेशानी हो जाती है, तो हमने ऊपर में भी बना दिया है। ये देखो हमने एक खरगोश भी पाला है, ये है 2 खरगोश है। हम लोग के पास पहले चार थे, दो मेल और 2 फीमेल, तो उसने करीब 8-10 बच्चे दिए थे पिछले बार। तो बहुत मेहनत करके, ये जाली नहीं था उस समय, हम लोग इसको ईटा से घेर के ऊपर में ये वाला डाल देते थे, वो ऐसा रखा था क्योंकि उस समय शुरू में कुछ इंतजाम नहीं था तो करते थे। लेकिन वो बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हुए, लेकिन क्या करें, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्ले हैं, वो बिल्ले बिलौटे हमारे इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे खरगोश के बच्चे लोग को ले गए। कुल मिला के जितने भी थे सब को ले गए, हमने बहुत प्रयास किया बचाने का। तो अभी यही 2 बच्चे हैं जो जाली के कारण बचे हुए हैं। तो ऐसा है हमारा घर, यहीं पर यहाँ पर किचन बनेगा और बैठनेदार है, ये टंकी है शुरू में लगी हुई है, तो ये हॉल है, हॉल भी अच्छा रोशनीदार बनाए, जाली लगे ऊपर में रहने के बाद अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा समस्या हमारे गांव में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है और गांव में अभी भी 2G सर्विस चल रही है और बहुत ही मुश्किल से मोबाइल चलते हैं। नेट तो बहुत दूर की बात है, तो हमको ये छत पे आना पड़ता है थोड़ा सा एलिवेशन में, तो छत पे आने से हमको 3G सर्विस तो कम से कम मिल जाती है, 4G तो बात की बात है, 3G सर्विस मिल जाती है तो नेटवर्क चल जाता है, थोड़ा इंटरनेट चल जाता है छत पे, नीचे में तो बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से आता है, बड़ा ही समस्या हमारे गाँव में। एकाध 2 नेटवर्क प्रोवाइडर आ जाते हैं, 2-4 टावर लग जाते तो हमारे गांव वालों का भी कुछ भला हो जाता, तो अच्छा कुछ होता। तो
फ्रेंड्स चलते हैं नीचे, नीचे भी आपको दिखाता हूँ छोटा सा हमारा घर को हमने किस तरीके से बनाया है। सुबह का नाश्ता टमाटर की चटनी और रोटी के साथ। फ्रेंड्स ये नाश्ते में खासियत है, ये टमाटर भी हमारे घर का है, प्याज भी अपने घर का है, मिर्ची भी अपने घर का है, ये गेहूं भी हमारे घर का ही बना हुआ आटे से बना है, यानी कि ये पूरा होल थिंग हमने खुद बनाया है और इवन इसमें जो तेल लगा है ना वो भी हमारे घर का ही है। हिंदी का गिनती मैंने लिखा आज और हिंदी का पहाड़ा देखिए, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छः, सात, आठ का, इधर नौ, दस और ग्यारह का भी लिख दिया। तो ये गांव के बच्चे लोग आते हैं यहाँ पर, उनको हिंदी का पहाड़ा और हिंदी का गिनती चाहिए था, मैंने सोचा कि उनके लिए बना दिया जाए, तो ये इसका फोटो कॉपी लोग करा लेंगे तो गांव के बच्चे लोग के लिए काम आ जाए, क्योंकि हिंदी का नहीं मिलता है यहाँ पर, दुकानों में इंग्लिश का ही मिल रहा है, इंग्लिश में उनको नहीं बनता है, तो मैंने सोचा उन लोग के लिए हिंदी का बनाया जाए। तो तैयार है आज फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू अगेन।